साथी हैं उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई भी एक मजम्मती स्टेटमेंट आई हो अयाज सादिक के खिलाफ, ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये सारे उसके साथ खड़े में हैं। और ये साबित हो रहा है कि ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। अयाज सादिक के मुंह से इसी तरह नहीं कुछ निकल गया, ये पूरी प्लानिंग के तहत एक कमरे में बैठ के साजिश के साथ ये प्लान किया गया है कि किस तरीके से हम पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करेंगे, हम किस तरीके से पाकिस्तान की फ़ौज की मोराल को नीचे दिखाएंगे और हम किस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्लानिंग करेंगे अपने उन दुश्मन ममालिक के साथ मिलकर, ताकि पाकिस्तान और पीछे की तरफ जाए और ये आगे बढ़ते जाएं, जो इनकी ख्वाहिशात हैं और जो इनका ख्याल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इनकी साजिशों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये पाकिस्तान की कौम के सामने इनके काले चेहरे, इनकी काली सियासत, इनके काले इदारे इरादे वो एक्सपोज हो चुके हैं। अवाम ने इनका असल चेहरा देख लिया है। पूरी पाकिस्तान की कौम जो है वो आज अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है, वो अपने इदारों के साथ खड़ी हुई है, वो अपनी अदालतों के साथ खड़ी हुई है, वो अपने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ खड़ी हुई है। और हम खराज तहसीन पेश करते हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को भी, जिस तरीके से उन्होंने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक दफ़ा वापस जिस तरीके से आवाज़ उठाई है, जिस तरीके से पूरी दुनिया में तमाम इस्लामी मुमालिक के लीडरान को ख़त लिखे हैं, हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और ये क्यों शर्मिंदा हैं पीडीएम वाले? क्या इस तरह की हरकतें हमने नवाज़ शरीफ के दौर में नहीं देखी थी? क्या इस तरह की स्टेटमेंट्स हमने जरदारी के दौर में नहीं देखी थी? क्या जो हालात आज कश्मीर के अंदर हैं वो मौलाना फजल रहमान के दौर में जब वो कश्मीर के हेड होते थे तो क्या उस वक्त हमने नहीं देखी थी? ये सब कुछ उस वक्त भी होता था। तो इनके लिए असल में आजकल शर्म से डूब मरने का मुकाम है और इनको मौत आ रही है कि जो कुछ इमरान खान कर रहा है, जो कुछ आज पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कर रहा है, अगर ये इसी तरह कंटिन्यूटी की बेसिस के ऊपर चलता रहा तो इनकी सियासत का तो नामो निशान नहीं रहेगा। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फ़ैसला किया है कि मौजूदा हालात में हम अपनी अफवाज पाकिस्तान को, हम अपने इदारों को, हम अपने वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक पाकिस्तान रैली निकालने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान जिंदाबाद रैली जिसमें खराज तहसीन पेश किया जाएगा अपने इदारों को, ये हम इतवार के रोज़ दोपहर 1 बजे मज़ार कायद VIP गेट से हम ये रैली शुरू करेंगे और जिसका अख्तिताम जो है वो 3 तलवार के ऊपर होगा। ये 1 तारीख को, कल इतवार को। ये रैली कोई सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की नहीं है, हम तमाम पाकिस्तानियों को, कराची में रहने वाले लोगों को हम इसके अंदर दावत दे रहे हैं कि हमने इन 2 नंबर सियासतदानों को, हमने इन लोगों को ये बताना है कि हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हुए हैं, हम अपने इदारों के साथ खड़े हुए हैं, हम अपनी अदालतों के साथ खड़े हुए हैं और हम अपने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ खड़े हैं। मैं दावत ये अपने तमाम कराची में रहने वाले शहरियों को जो अपने इदारों से मोहब्बत करती है, जो उनकी इज़्ज़त करती है, उनको हम ये दावत दे रहे हैं। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम MNAs, MPAs, तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स और उसके अलावा कराची में रहने वाले एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इसके अंदर शामिल होगी। और इसका मकसद सिर्फ ये होगा कि आजकल का जो मौजूदा माहौल है जिसके अंदर एक माहौल पैदा किया जा रहा है पाकिस्तान को पीछे की तरफ धकेलने के लिए, हम अपने इदारों को सपोर्ट करने के लिए रैली निकाल रहे हैं। और इसके अंदर मैं तमाम अपने जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं आप सबको भी मैं दावत दूंगा कि आप सब भी इस रैली के अंदर हमारे साथ शामिल हों। मैं इसके अंदर ये कह दूं कि ये सब तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ इसकी मुंतजिम है, दावत जो है वो तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों का है कि आज हिंदुस्तान ने ललकारा है और हमें उनको दिखाना है कि हर पाकिस्तानी जाग रहा है, हर पाकिस्तानी इस रैली के अंदर शरीक होकर अपनी मादर वतन के साथ इजहार यकजहती और इजहार इशार करने आना चाहिए उसको। कोविड का ज़माना है, तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि मास्क पहन के आएँ, तमाम लोगों से दरख्वास्त है अपने साथ सैनिटाइज़र लाएं, एक गाड़ी के लोग एक गाड़ी में रहें, मोटरसाइकिल के ऊपर जो लोग हैं वो सवारियां तब्दील ना करें,
इससे कि हम एक पैनडेमिक से भी मुकाबला कर रहे हैं और एक दुश्मन से भी मुकाबला कर रहे हैं। एक दुश्मन वो जो बैरून मुल्क बैठा हुआ है और एक वो है जो उनके सहूलत कार बने, चाहे वो नादानी में बन रहे हों चाहे वो दानिश्ता तौर पे बन रहे हों। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं आपके ज़रिए तमाम अहल कराची को और अहल सिंध को ये दावत देना चाहता हूँ कि आइए अपनी अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान रेंजर्स, हमारे पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, पुलिस, जो लोग दिफाए पाकिस्तान के अंदर किरदार अदा करते हैं, आए हम हों को कहें, बताएं और यकीन दिलाएं कि आपके साथ आपकी पूरी कौम खड़ी है। सर ये बताइए भाई, आपने खुद ही कह दिया कि कोविड जो है वो फिर वापस आ गया है, एनसीओसी ने भी जो है कुछ पाबंदियां लगाई है, कैदियों को तल्कीन भी की है कि वो मास्क लाजमी लगाए, तो आप किस तरह यकीन दहानी कराते हैं कि उस रैली में तमाम लोग जो है वो मास्क पहने हुए, क्योंकि कुछ दिन कबल एनसीओसी के सरबराह जो है उनकी तस्वीर वायरल हुई थी कि उन्होंने पूरी गाड़ी भरी हुई थी 6-7 लोग थे, उन्होंने मास्क नहीं पहने हुए थे, तो उसको किस तरह इंश्योर कराएंगे? अच्छा देखिए, मैं इसमें बताऊँ कि कोई जलसा या जलूस नहीं है, ये ना कोई ये जलसा है ना कोई ये जलूस है। गाड़ियां जिस तरीके से शहर में आपको वैसे भी घूमती आती जाती नज़र आती है, लोग सफ़र के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से हमने कोई पैदल चलने वाला सिलसिला इसके अंदर नहीं रखा है। ये गाड़ियों की रैली है जिसमें गाड़ियों में लोग होंगे, जिसमें मोटरसाइकिल में होंगे, आम ज़िंदगी के अंदर भी आप लोगों को देखते हैं, और हमारी कोशिश यही है कि जिसमें हम जितने जिस तरह फिरदौस साहब ने फरमाया कि ये इसके अंदर जो अफराद आएंगे उस मेक श्योर करें कि मास्क फिर भी ज़रूर पहने। मेरे ख्याल से मैं तो ये समझता हूँ कि अगर ये एक्सपंज हो जाता तो शायद कौम को नज़र नहीं आता कि इनके दिलों के अंदर, इनके दिमाग के अंदर, इनकी सोचों के अंदर ख्यालात क्या हैं अपनी अफवाज के लिए। ये तो अच्छा हुआ कि इनका चेहरा नज़र आया। देखें, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आवाम को ये मालूम हो कि एक तरफ तो ये करप्शन में डूबे हुए हैं, एक तरफ तो मुल्क का पैसा लूट लूट कर अपनी जायदादें और अपने कारोबार को फ़रोग दे रहे हैं, और उसके साथ साथ दूसरी तरफ इनके दिलों में अपने इदारों के लिए नफ़रत कितनी भरी हुई है। अगर ये एक्सपंज भी हो जाता तो ये पता कैसे चलता कि ये कर क्या रहे हैं और इनकी हरकतें क्या और इनकी सोचें क्या है। अच्छा है आवाम के सामने एक्सपोज हुए हैं, इसी वजह से मैंने कहा कि हम डिमांड करते हैं अपनी हुकूमत से कि ऐसी शख्सियत, ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, कानून के तहत जिस एक्ट के तहत करनी है, लेकिन इनको लेसन सिखाना ज़रूरी है। ये एक्सेप्टेबल किसी हाल में नहीं है। मैं इस बेसिस से नहीं कह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एम पी ए या वर्कर हूँ, मैं एज़ अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ कि किसी की जुर्रत या हिम्मत कैसी हो कि अपने दुश्मन की जो स्टेटमेंट्स हैं, अपने दुश्मन को जो है उसको सहराने के लिए, उसके मुल्क को पता नहीं कोई किसी किस्म की अप्रिसिएशन बैठ के कोई सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो बैठ कर। तलत भाई, वो क्या करेंगे जो स्टेज के ऊपर खड़े होकर बलूचिस्तान की अलहदगी की बात करते हैं जी, उसको भी हदफ करवाइए। इनका हदफ करने का तरीका सिर्फ एक है, अवाम पाकिस्तान जिस तरह मौलाना फजल रहमान को एक दफ़ा रिजेक्ट कर चुके हैं, ऐसी तमाम कुवतों को बार बार रिजेक्ट कर। थैंक यू। कराची के मसाइल पर भी आप लोगों ने माशाल्लाह एहतजाज किया, क्या इलेक्ट्रिक वाला एहतजाज कहाँ गया, स्विच ऑन गैस के मामला कहाँ गए, लोगों को इन चीज़ों से नहीं गर्ज के आप लोग आपको और अपोजिशन क्या सियासत खेल रहे हैं, उनके मसाइल के हवाले से आपकी वफाकी हुकूमत ने क्या किया? जी सीईओ को तो आप लोगों ने स्पेशल असिस्टेंट बना दिया, मोशन का खात्मा हो चुका है। नहीं नहीं, मैं आपको आपको बड़े स्ट्रेट जवाब दे सकता हूँ इसके। सुई गैस का मसला जब उठाया तो पता चला कि पूरा मामला ख़राब किया हुआ है सिंध हुकूमत ने, 17 किलोमीटर की लाइन की इजाज़त नहीं देने के एहतजाज के बाद। जब हम एहतजाज करके चीफ मिनिस्टर हाउस गए तो उसके बाद अगले दिन कैबिनेट में दिया। अब वो मुराद अली शाह के पास तो होगा अलादीन का चराग कि एक दिन इजाज़त दो और दूसरे दिन लाइन लग जाए। 17 किलोमीटर लाइन डलने में वक्त भी लगेगा। आरएलएनजी की है सर, कोई ताल्लुक नहीं है।
आपके लिए जो बात वफाक ने रखी है वो ये है कि RLNG को गैस ट्रीट किया जाएगा और वेटेड एवरेज के लिहाज से उसकी प्राइस होगी। हर फील्ड की प्राइस फ़र्क होती है। सुई गैस की जो की निर्खनामा भी आप दे रहे हैं उसके अंदर तमाम गैसेस की प्राइस लेके फिर निकाला जाता है। उन्हीं तरह जिस तरह गैस फील्ड की प्राइस ली जाती है उसी तरह RLNG की कीमत ली जाएगी और वो डाली जाएगी। के इलेक्ट्रिक का सवाल है, के इलेक्ट्रिक का भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सूरत हाल ये है। अप्रैल 2021 में 450 मेगावाट की ट्रांसमिशन एक आएगी। मई के महीने में एक पावर प्लांट और शुरू होगा जिसके जरिए 400 मेगावाट बिजली और ऐड होगी। अगस्त के महीने में एक और आएगा पावर प्लांट, उससे 400 ऐड होगी और अप्रैल 2022 में 800 मेगावाट की एक और नेशनल ग्रिड से लाइन बनके तैयार हो जाएगी। इस तरीके से सर बात ये है जी जी यही इसीलिए तो वो अप्रैल का वक्त दे रहे हैं कि वो भी अपग्रेडेशन हो रही है, ट्रांसमिशन लाइंस भी बनाई जा रही है। मैं कहता हूं आफरीदी साहब को भी अपने हदूद में रह के काम करना चाहिए। कमिश्नर का काम है ना, अच्छा मैं आपको इसका जवाब दे देता हूं। अच्छा देखें सर ये और इसके साथ ऐड है, प्रपोजल भी आप समझ दें कि जिस तरह इंडिया में मारुति गाड़ी हर फेडरल मिनिस्टर को और गवर्नर को वो तो आप यहाँ पे भी कम से कम 1000 cc करता सी जो है ना हर वफाक की वजीर MNA और वो इस्तेमाल करें, ये पराठो कल्चर और ये सब चीज़ें खत्म होना चाहिए। देखिए जनाब ये आपके आपके सवाल का मैं जवाब दूँ, सूबे के अंदर ये जिम्मेदारियाँ कोई वफाकी हुकूमत की नहीं है, ये आप साफी दो सब जानते हैं अच्छे तरीके से। ये जिम्मेदारी कमिश्नर कराची की है, ये वजीर आला की जिम्मेदारी है कि अपने कमिश्नर से पूछें, असिस्टेंट कमिश्नर से पूछें कि मार्केट में जाके छापे क्यों नहीं मान रहे। हम तो ये कहते हैं कि जो रेट वजीर आला के कमिश्नर ने निकाला उस रेट को इम्प्लीमेंट कराएं ना आप। आवाम तो वही रेट मांग रही है, उसे ज़्यादा तो नहीं कह रही है ना, उसे कम कह रही है, तो वो रेट भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। सो ये फेलियर है सूबे सिंध की हुकूमत का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का, कि इनके जो शहर के अंदर बैठे हुए कमिश्नर्स हैं, जो इनके शहर में बैठे डिप्टी कमिश्नर्स हैं, वो टके का काम नहीं कर रहे हैं। पिछली दफ़ा जब मैं गया तो मुझे शायद फरमा रहे थे कि शायद 8 चलान करें उन्होंने खाली। एक सवाल का आपका जो जवाब है, एक मिनट, सीमेंट फैक्ट्रियों का इजाफा रिकॉर्ड, इंडस मोटर का मुनाफा रिकॉर्ड, स्टील सेक्टर का रिकॉर्ड। जब इंडस्ट्री मुनाफा बख्श होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि मुल्क की मईशत मुनाफा बख्श हो रही है। जब वो मुल्क की मईशत मजबूत होगी तो फ़ायदा किसको होगा, अवाम को होगा। समझाया ये था कि दिवालिये की हालत में छोड़ के गए थे, दिवालिये से निकाला है, वक्त चाहिए। हम काम ही सिर्फ एक चीज़ के लिए कर रहे हैं, अवाम की खुशहाली के लिए। तभी तो कहा था इमरान खान ने कि ये मुल्क लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं है, हम गरीब के साथ खड़े हुए हैं। गरीब को इमरजेंसी कैश दी, गरीब को हेल्थ प्रोग्राम दिया, KP में, पंजाब में, बलूचिस्तान में। ये सिंध की नालायक हुकूमत है जो सिर्फ NICVD पहले दिल का हर्जा लगवाती है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्यों नहीं देती, दे। हुकूमत उसका हिस्सा बनना चाहती है। और कल हम आपसे दो चीज़ों की और एक गुजारिश करता चलूँ,
हम आपको दोबारा आज जहमत देंगे। मैं इस वक्त असेंबली जा रहा हूँ, वहाँ से हम तमाम MPs एक मीटिंग करके एक याददाश्त बना के हम फ्रेंच कॉन्सुलेट जाएंगे, इंशाल्लाह वहाँ आप लोग भी हमारा साथ। एक सवाल ले लेते हैं, ये बता दें कि क्या अयाज़ शादी